अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बैच 2 का पेपर हुआ था कल असिस्टेंट डायरेक्टर 24 जुलाई 2022 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से FIA में, उसके कंप्लीट 100 क्वेश्चंस इस पेपर में मैं डिस्कस करूंगा। और आगे जो पेपर्स होंगे रोज़ाना की बेस पे, वो भी कोशिश होगी रोज़ाना ही अपलोड किए जाएँ साथ साथ ही। और इसमें अगर आपको नेक्स्ट पेपर्स के लिए हमारे नोट्स चाहिए जो इनमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो सामने लिखी हुई हैं, तो उसका सिंपल सा मेथड है कि आप 03671603999 पे 200 रुपीज़ ईजी पैसे सेंड कर दें और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। तो आपको सारे नोट्स जो हमने अब तक बनाए हुए हैं इन मुख्तलिफ पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए, वो आपको PDF में व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। लेट्स जस्ट बिगिन विद टुडेज वन। इंग्लिश के MCQ सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इज दैट द बस विच गोज टू द सदर बाज़ार। साथ में छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, गूगल से मैंने उठाई है, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि आपको बाद में कभी दैट एंड विच में कन्फ्यूजन ना हो। हॉगवॉश कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद नॉनसेंस। सिंपली उसने पूछा था हॉगवॉश जो है ये इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब नॉनसेंस होता है, जिब्रिलिश गुफ्तगू, आबरा का डाबरा, जो मतलब किसी की समझ में ना आती है, जैसे बच्चों की ज़ुबान होती है। व्हेन वी फर्स्ट मीट रोमन ही इज़ ऑगलिंग ओवर हिज अनरिलिंक्विश्ड लव फॉर रोजलिन। ऑगलिंग का मतलब होता है ताड़ना, देखना। यूजली ये लफ्ज हवस के मीनिंग में आता है। द यंग थिन बॉय सरप्राइज्ड इन रेस्लिंग अपोनेंट विथ हिज वायरी स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग एंड लीन, कमज़ोर लेकिन ताकतवर। फ्रॉलिक्सम का मतलब होता है जॉली, फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है फ्रॉड, धोखा। तो ये फ्रॉलिक्सम, फ्रॉडुलेंट, वायरी, ये सारे वर्ड्स हमने आपको सिनोनिम के वीडियोज़ में बताए हुए हैं। सिनोनिम ऑफ वर्ड फॉक्स। फॉक्स का मतलब होता है इमिटेशन, आर्टिफिशियल, कोई नकली चीज़, कॉपी किसी चीज़ की, ये वर्ड भी हमने आपको बताया हुआ है। Idiom to make amend for means to compensate for damages. अब किसी के नुकसान की भरपाई करना या अपने किसी गलती का खुमियाजा भुगतना, उसको कहते हैं to make amend for. Correct sentence, the use of social media is making us less sociable. Lady in the blue dress has won the prize. It's a simple sentence. कोई क्लास नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट, कोई सबऑर्डिनेट, कोई इंटरजेक्शन नहीं है, सिंपल सा एक सेंटेंस है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ मिशन वर्ड माय मोर्गेज नीड्स टू बी पेड एवरी मंथ। जब आप बैंक के पास जाते हैं तो उस वक्त आप अपना घर गिरवी रखवा कर कर्ज़ा लेते हैं, तो वो कर्ज़ा एक तरह से आपका मोर्गेज होता है। मोर्ग होता है जहाँ पर मुर्दे पड़े होते हैं, मुर्दा खाना, जबकि मोर्गेज होता है, टी साइलेंट है इसमें, जहाँ पर जो घर आपने गिरवी रखवाया और उसका आप लोन हर दफ़ा पे करते हैं, हर मंथ पे करते हैं। ही नेवर थॉट ट्वाइस अबाउट वॉकिंग इनटू डेंजर एंड हार्डली केयर्ड इफ ही सर्वाइव्ड और नॉट। प्रोलिटेरियट मीन्स लोअर क्लास। पुराने ज़माने में जब मतलब ये वर्ड्स यूज़ होते थे, ऑब्सोलीट वर्ड्स हैं, पुरानी इंग्लिश के हैं, तो सबसे जो निचली क्लास होती है, लोअर क्लास होती है, वर्किंग क्लास होती है, जो कुछ करती है तो ऊपर वाली क्लासेस खाती हैं, उसको प्रोलिटेरियट कहा जाता है। ही बॉट अ $300 सूट। खान इज ऑलवेज रेडी टू ईट एनी वंस साल्ट। द फ्रेज मीन्स टू बी वंस गेस्ट। किसी का नमक खाने का मतलब है कि उसका मेहमान हो जाना। Choose the correct sentence. This is one of the most difficult questions that has ever been asked. It was preposterous to think that it could possibly snow in the middle of desert. जो मतलब हालात वाकयात से मुतनाज़े हो, कोई बेवकूफ़ी वाली बात को preposterous कहा जाता है, ridiculous, absurd. The original inhabitants of a country are aborigines. जो इलाके के ओरिजिनल लोग होते हैं, जिन्होंने उस इलाके को आबाद किया होता है, उनको एबोरिजिन्स कहा जाता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन।
Either you apologize or I will never speak to you again. Have you ever been to America? अगर यहाँ पे विजिटेड लगाना हो तो फिर टूर नहीं लगेगा. Have you ever visited America? और अगर लैंडेड लगाना, Have you ever landed in America? तो ये तीनों इस तरह से लग सकते हैं. Ali has hurt his hand, but he is feeling better now. Hurt की सेकेंड थर्ड फॉर्म भी hurt ही होती है. उसके बाद दो तीन जनरल नॉलेज के questions पूछे गए थे. How many member countries are there in Regional Comprehensive Economic Partnership? RCEP. 15 members हैं इसके. नई बनी है ये. साइन हुए 15 नवंबर 2020 को और इफेक्टिव हुई है ये ट्रीटी या पार्टनरशिप जनवरी 2022 में. सो इट्स अ न्यूअर पार्टनरशिप, अ न्यूअर ट्रीटी. विच मुस्लिम कंट्री इज अ मेंबर ऑफ नेटो? तुर्की नेटो का मेंबर है और एक मुस्लिम कंट्री है. What are the total number of member states of United Nations Security Council? 15 members हैं total, 5 permanent, 10 non-permanent, जो change होते रहते हैं. Which of the following countries were the founding members of Economic Cooperation Organization, ECO? Pakistan, Turkey and Iran ने मिलकर ये organization बनाई थी. काफ़ी दफ़ा आपको इसके बारे में भी बता चुके हैं. उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है. विच टाइप ऑफ लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई? बाई कन्वेक्स लेंस. ये भी पिछले दिनों एक एमसीक्यू पूछा गया था, तब हमने आपको एक वीडियो में डिस्कस किया था कि इंसानी आँख के अंदर जो लेंस होता है वो बाई कन्वेक्स होता है. मेमोरी लॉस ड्यू टू ब्रेन इंजरी इज नोन एज एमनीजिया. पैरालिसिस फालच को कहते हैं. शिजोफ्रेनिया या स्किजोफ्रेनिया पागलपन की बीमारी को कहा जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सैटर्न. लार्जेस्ट जुपिटर, सेकेंड लार्जेस्ट सैटर्न. अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन आर फिल्टर्ड बाय ओजोन लेयर. हजारों दफ़ा ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत कॉमन है. केमिकल नेम ऑफ सिंथेटिक विनेगर? सिरके का केमिकल नाम क्या होता है? एसेटिक एसिड. इस बोतल के ऊपर लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसेटिक एसिड. फेमस बुक अल कानून फितिब वॉज रिटन बाय विच मुस्लिम साइंटिस्ट? इब्ने अली सीना. मेडिसिन यूज्ड टू किल वीड्स आर नोन एज हर्बिसाइड्स. इंसेक्ट्स को जो किल करती है इंसेक्टिसाइड, फंजाई को यानी फफूंदी को जो किल करती है फंगिसाइड्स, और जो हर्ब्स को यानी वीड्स को यानी जड़ी बूटियों को किल करती हैं उनको हर्बिसाइड. साइड का मतलब होता है किल करना, जैसे सुइसाइड, अपने आप को किल करना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बोर्न डिजीज? टाइफाइड. ये क्वेश्चन भी पिछले दिनों किसी पेपर में पूछा गया था. अगेन मायोपिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू आइज. मायोपिया, हाइपरोपिया ये क्या होते हैं, और शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस क्या होती है, इनको किस लेंस से क्रैक किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपसे एवरीडे साइंस की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. विटामिन ए आईसाइट को बेहतर करने में आँखों के लिए. विटामिन डी हड्डियों के लिए, कमी हो तो रिकेट्स. विटामिन सी स्किन के लिए होता है, अगर इसकी कमी हो तो स्किन खराब हो जाती है. अल्जाइमर्स इज अ डिजीज विच डैमेजेस नर्व सेल्स. इंसान के भूलने की बीमारी है अल्जाइमर्स. विच पार्ट ऑफ डोनेटेड आई इज यूज्ड बाय रिसिपिएंट्स? कॉर्निया इस्तेमाल होता है. बुनियादी तौर पर आंख के ऊपर एक तरह का सा जो शीशा लगा होता है, जो साफ शफाफ झिल्ली होती है, उसको कॉर्निया कहा जाता है. तो ये कॉर्निया एक तरह के प्रोटेक्शन का काम करता है और लाइट को फोकस करने का काम करता है. जैसे कि अगर एक गाड़ी का शीशा जो है वो सही नहीं होता तो सामने से अगर रोशनी आ रही है तो आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है, आपको उसकी रिफ्लेक्शंस दिखाई देने लग जाती हैं. सेम एज इट इज़, उसी तरह अगर इंसानी आँख का भी कॉर्निया ख़राब होगा तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे जो लाइट नज़र आ रही है वो ऐसे नहीं नज़र आएगी जैसे नॉर्मल नज़र आती है, वो फैल जाएगी, धुंधली नज़र आएगी. हमारी आँखों के अंदर वो जो है मतलब क्लियर हमें चीज़ें नज़र नहीं आएंगी रास्ते में.
Equinox is a unique phenomenon when a day and night are equal in a year. लास्ट टाइम जो हमने सेवन्थ वीडियो बनाई थी जनरल साइंस 2022 की, उसमें ये डिस्कस किया था एमसीक्यू. देर आर डिफरेंट सीजन्स इन द वर्ल्ड. दिस इज बिकॉज अर्थ्स टिल्ट ऑफ 23 डिग्रीज ऑन इट्स एक्सिस. की के अकॉर्डिंग इसका आंसर यह है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो कि गलत है. इसको तो मुझे कंफर्म है कि ये गलत है. की के अकॉर्डिंग जमीन सूरज के इर्द गिर्द मूव कर रही है, उससे साल बनता है. ठीक है, एक से चक्कर कंप्लीट होगा तो साल बनेगा. ज़मीन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, उससे दिन और रात बनते हैं. और सीजन बनते हैं ज़मीन के अपने एक्सिस पे टिल्ट, थोड़ी सी टेढ़ी है ज़मीन, 23 डिग्री टेढ़ी है, जिसकी वजह से ज़मीन पे सीजन्स बनते हैं, मौसम बनते हैं. उसके बाद चंद एक पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज शामिल थे इस पेपर में. मार्गला हिल इज़ अ ब्रांच ऑफ हिमालयन रेंज, लेकिन की के अकॉर्डिंग इसका आंसर कराकोरम रेंज लिखा हुआ था, तो ये भी गलत लिखा हुआ था. व्हाट इज़ द करंट नंबर ऑफ सीट्स ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान? इस वक्त करंटली 100 हैं, लेकिन टेक्निकली 104 होने चाहिए और नेक्स्ट इलेक्शन में 96 रह जाएंगे. डिटेल मैंने नीचे लिखी है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा. 104 इसलिए है क्योंकि इसमें फाटा शामिल था और फाटा के चार जो हैं वो मुंतखब नहीं हुए इस दफ़ा. तो नेक्स्ट टाइम जो है फाटा के मज़ीद चार जो हैं वो मुंतखब नहीं होंगे, तो उसके बाद फिर 96 रह जाएंगे. 2024 में चूँकि चार मज़ीद फाटा के मुंतखब नहीं होंगे, क्योंकि फाटा जो है मर्ज हो चुका है KPK में, तो उसकी अपनी अलग जो 8 सीटें थी वो ख़त्म हो गई हैं. तो चार इस दफ़ा ख़त्म हो गई, 104 से 100 रह गए, और मज़ीद चार जो हैं वो 2024 में ख़त्म होंगी, तो फिर 96 रह जाएंगे. डिटेल नीचे लिखिए, इसको देख लीजिएगा. गिलगित इज़ द सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, GB. हु इज़ द करंट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान? मोहम्मद हसन अखंड. उसके बाद हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स के MCQs शामिल थे. हु इज़ द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी? ओलाफ शोल्स. मॉर्निंग के पेपर में भी ये पूछा गया था, इवनिंग के पेपर में भी ये पूछा गया है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी सेम आया है मॉर्निंग एंड इवनिंग में. हु लेड द अफगान तालिबान टीम ड्यूरिंग पीस नेगोशिएशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स एट दोहा? अब्दुल हकीम आशिक जई. ये क्वेश्चन भी सेम रिपीट हुआ है बैच वन एंड बैच टू का, ग्लोबल गेटवे. ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया था? 11 मार्च 2020. इन सितंबर 2020 नासा कलेक्टेड फर्स्ट एवर पीस ऑफ रॉक फ्रॉम मार्स बाय रोवर स्पेस प्रोब मींस परसिवरेंस. 10 सितंबर 2021 को ये न्यूज़ आई थी कि जो नासा की परसिवरेंस मार्स रोवर है, इस रोवर का नाम है, ये जो स्पेस गाड़ी है, स्पेस कार है वहाँ पे, उसका नाम परसिवरेंस है. तो इसने मार्स की रॉक्स कलेक्ट की थी. वो बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ टूनिजिया इन अक्टूबर 2021, नजला बोदेन. ब्रेक्सिट केम इन टू इफेक्ट आफ्टर अ ईयर ऑफ रैंगलिंग ऑन January 1, 2021. When did Israel open embassy in United Arab Emirates? January 2021. January 24, 2021. European Union is set to become the largest economic bloc in the world to completely ban the sale of conventional combustion engine cars by 2035. Is the right option? Par ki ke according 2015 likha hua tha. 2015 agar likha hua tha to phir iska matlab hai ki wo combustion engines ko sale junk block कर भी चुके हैं. तो यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी अप्रैल मई जून की, उसमें मैंने ये आपको बताया था कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो इन्होंने वोट किया है कंबशन इंजन की सेल को फेज आउट करने के लिए बाय 2035 तक की जापान और 2035 तक की कनाडा भी इस बात का इरादा कर चुके हैं कि हम कंबशन इंजन जो है इनको बंद कर देंगे. Pakistan's former Prime Minister Imran Khan reached in Moscow for a two-day official visit of Russia on 23 February 2022. 23 को खान साहब पहुंचे थे, 24 को उनकी जंग लग गई थी. अकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे विच वॉज इनॉग्रेटेड ऑन January 5, 2022 इज ऑल्सो नोन एज M14. हु वॉज अपॉइंटेड एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पेशल एनवॉय फॉर द अफगान वुमेन गर्ल्स एंड ह्यूमन राइट्स इन December 2021, रीना अमेरी. ये क्वेश्चन दो दफ़ा पूछा गया था इसी सेम एक ही पेपर में,
क्वेश्चन 83 भी यही था और क्वेश्चन 32 भी सेम यही था. पाकिस्तान हैज़ कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एन इन्हांस्ड रेंज वर्जन ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल इन दिसंबर 2021. व्हाट इज़ इट्स नेम? बाबर. पाकिस्तान ने जो दिसंबर 2021 में क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया था वो बाबर मिसाइल था. ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन 33 एंड क्वेश्चन 82 सेम था. चाइनीज न्यू ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 1, 2022 इज कॉल्ड ईयर ऑफ टाइगर. हु आर द विनर्स ऑफ नोबेल पीस प्राइज 2021? मारिया रेसा एंड दिमित्री एंड्रेविच मैराथोवे. मारिया रेसा का ताल्लुक फिलिपीन से और दिमित्री एंड्रेविच मैराथोव का ताल्लुक रशिया से. Which Caribbean country has officially removed Queen Elizabeth II as its head of state and became the world's newest country in November 2021? Barbados. This question was also repeated. Question 36 and question 77 was the same. How much IMF promised in 2019 to give loan for Pakistan? $6 million. The new variant of COVID-19 that emerged in South Africa was named Omicron after 15th letter of Greek alphabet. जब ये आया था तब हमने आपको बताया था. वो आज द फर्स्ट इसराइली प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेफ्ताली बेनेट. अ 35 years old former leftist student leader won presidential election of Chile in December 2021. What is his name? Gabriel Boric. Which country Maria Ressa belongs to? Who shared Nobel Peace Prize with other journalist Mouratov for the year 2021? Philippines. UN called for a moratorium on artificial intelligence system in September 2021, like facial recognition technology, until safeguards are in place against violations because they threaten human rights. उसके बाद हमारे पास कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस थे. What is the value of x in equation fulani dumkani? तो इसका आंसर 4 की के अकॉर्डिंग. बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा. अच्छा, यहाँ पर 4 बाई एक्स जहाँ पर लिखा है इसका मुझे कंफर्म नहीं है बिकॉज पेपर काफ़ी ब्लर था तो मुझे लग रहा था कुछ ऐसा है पर कंफर्म नहीं है. एट प्रेजेंट एज ऑफ एटलीस्ट एक्स माइनस 10 ईयर्स व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 12 ईयर्स एक्स प्लस 2. x माइनस 10 है तो 12 ईयर्स बाद x प्लस 2 होगी. ये क्वेश्चन भी मुझे क्लियरली नज़र नहीं आया ब्लर होने की वजह से. मैंने तीन तरह से लिखा है तीनों फॉर्मेट में. मुझे मतलब जैसे लग रहा था शायद इस तरह लिखा गया है तो आपके सामने तीनों तरह से और इन तीनों में से कोई एक राइट है. ऊपर जो तीन फॉर्म्स लिखी हुई हैं और इसका आंसर बी ऑप्शन 2 था. Algebraic expression of the word expression subtract 8 times the number b from 10 times the number c. 8 times b ko minus karna hai 10 times c se. So simple. On solving x plus 2y is equal to 13 wagaira wagaira jo bhi hai iska answer none of these tha. Solve aap khud kar sakte hain apne taur par. The sum of series 1 5 9 13 to 40th term is 716. ये क्वेश्चन भी ब्लर था मुझे क्लियरली नज़र नहीं आया कि इसमें टर्म्स लिखी क्या हुई थी लेकिन शायद 716 था. इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हाट फर्स्ट टर्म इज सेकेंड एंड कॉमन डिफरेंस इज 7 फिफ्थ टर्म इज 3. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस वन. इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3 डी 6 एन इज 9 सो nth टर्म इज व्हाट? 51 according to the key. The pth term of an a arithmetic progression is q and qth term is pth. The p plus q 15 term is 0. Find the sum of n term jo bhi hai iske ye bhi question kafi blur tha to mujhe clearly nazar nahi aaya kya likha hua tha isme. So iska jo option tha wo c tha. Express 1.14 as percentage of 1.960%. अब आगे कुछ इंसानों वाले क्वेश्चंस भी हैं. इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि हम जैसे बायो वाले भी होते हैं जिन्होंने अगर 2 प्लस 2 भी करना हो तो भी कैलकुलेटर से एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि शायद गलत ही हो. तो इसलिए हम जैसों के लिए भी कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए.
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो हमारी समझ से बहुत ऊपर की चीज़ है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्राम 175,000 टू 262,000 इन अ डेकेड, द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर इस 10 साल में 50% इंक्रीज हुई, तो हर साल 5-5% इंक्रीज हुई। ए सैलरी इज 50% मोर देन बीज, हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी लेस देन एज? 33.33333%। 5% ऑफ 5% ऑफ 100 रुपीज इज 0.25। 100 का 5% 5 और 5 का 5% 0.25। इफ 20% ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिटेक्टेड देन 100 रुपीज इज स्टिल टू बी पेड, हाउ मच वॉज द ओरिजिनल बिल? 125%। 20% डिक्रीज हुआ तो 100 रह गया, टोटल बिल 125 रुपीज़ था। इफ एक्स वाई एंड जी आर इन प्रोपोर्शन देन एक्स रेशो वाई रेशो वाई रेशो जी। उसके बाद कुछ एफ आई एक्ट के एमसीक्यूज थे। एफ आई एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। टर्म रूल अंडर द एफ आई एक्ट डिनोट्स रूल्स फॉर्म्ड अंडर द एक्ट। सेक्शन 3 ऑफ द एफ आई एक्ट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी एफ आई एजेंसी। अमंग द लिस्ट ऑफ लॉज कंटेन्ड इन द स्केड्यूल विच वन इज एट द टॉप? पाकिस्तान पिनल कोड 1860। The specified persons were given an option to express willingness to join the agency within 30 days. FIA may restrain the disposal of any property. FIA Act specifies that agency has nexus with none of these. ये थोड़ा blur था, मुझे समझ नहीं आया nexus लिखा है या कुछ और लिखा है, इस वर्ल्ड की जगह पर क्या लिखा था मुझे idea नहीं है। FIA may take cognizance after commission of an offence. FIA may provide assistance to provincial investigation agency. The title of FIA Act provides that this act may be called the Federal Investigation Agency Act. FIA has no power for auction property, mortgage property or sell property, all of these. The FIA Act is Act 8 of 1975. The mandate of FIA is inquiry and investigation. The condition precedent for bar of jurisdiction against the members of agency is act done in good faith. The law for the protection of state confidential matters is called the Official Secrets Act. The FIA Act contains how many schedules? 1. That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.